सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, इस 15 अगस्त पर रिलीज होने वाली दो बॉलीवुड फिल्मों की चर्चाएं जोरों पर है। एक अक्षय कुमार स्टार एट गोल्ड और दूसरी जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते। दोनों फिल्मों के लिए दर्शकों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अब देखना ये है कि दोनों फिल्मों में सबसे आगे कौन रहती है। वैसे ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अक्षय कुमार जॉन अब्राहम से आगे निकल सकते हैं, और ये है वो 5 कारण। पहला कारण, अक्षय कुमार के लिए स्वतंत्रता दिवस बेहद ही लकी है। अक्षय कुमार पिछले कई सालों से अपनी फिल्में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही रिलीज करते आए हैं और इनकी फिल्में सफल भी हुई हैं। इनके पिछले दो स्वतंत्रता दिवस रिलीज रिथम और चॉलेट एक प्रेम कथा सुपरहिट रही थी। दूसरा कारण, फिल्म सत्यमेव जयते की कहानी पहले भी बॉलीवुड फिल्मों में देखी जा चुकी है। जॉन के सत्यमेव जयते की कहानी अक्षय की गब्बर इज बैक के समान दिखती है, जहां ईमानदार व्यक्ति भ्रष्टाचार के कारण सीरियल किलर बन जाता है। वर्तमान में दर्शक कुछ नया देखना पसंद करते हैं, जो गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तीसरा कारण, सत्यमेव जयते के सिर्फ डायलॉग और फाइट ही ज्यादा आकर्षित करते हैं। अब तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तू इस जन्म में जलेगा और दर्द अगले जन्म तक चलेगा। कानून को हाथों में लेने का हक सिर्फ कानून के हाथों को होता है। फिल्म में कुछ ऐसे ही डायलॉग हैं और फाइट जो हम पहले इनकी कई फिल्मों में देख चुके हैं। इस हिसाब से गोल्ड में देखने लायक बहुत कुछ है। चौथा कारण, स्टार कास्ट। गोल्ड में खिलाड़ी कुमार के साथ साथ कई ऐसे सितारे हैं जैसे मौनी रॉय और कुणाल कपूर, जो फिल्म को बेहतर बनाते हैं। लेकिन फिल्म सत्यमेव जयते की सफलता सिर्फ जॉन के कंधों पर टिकी नजर आ रही है। और अब पांचवा कारण, फिल्म में मौनी रॉय के होने से हो सकता है काफी फायदा। मौनी रॉय को टीवी पर बेहद पसंद किया जाता है। ये टीवी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। इसके साथ ही सत्यमेव जयते में लीड एक्ट्रेस इनसे काफी कमजोर नजर आ रही है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।